Go, sir. हेलो। हाँ हाँ महेश जी, हो रहा आनो आनो आनो, हो रहा करब शुरू। यार, मैं कनेक्ट करूंगा कर या पर जूम। मैं तेरे को वो भी एज एडमिनिस्ट्रेटर ये बना रहा हूँ ना होस्ट। ना ना, चक्कर शुरू हो थी, मैं तगीन की हिंद। यूशी अपन लाइव ऑन वन, इट इज शोइंग शायद लाइव स्टार्ट हो लाइव गया। सर। बोलिए, स्टार्ट कीजिए। नमस्कार, हाँ स्टार्ट कीजिए। नमस्कार। नमस्कार आज नमस्कार। इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सबका स्वागत है हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन की ओर से। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा मास, जनवरी का मास, कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए त्रासदी का मास है। जनसंहार जब एक चरम सीमा पर पहुंचा और कश्मीर से हमारा पलायन शुरू हुआ, और उस पलायन को रातों रात नहीं बनाया गया, उसके उसके समीकरण को, उसकी परिस्थिति को, उसके पीछे एक पृष्ठभूमि थी जिसे हम कहते हैं जहादी पृष्ठभूमि थी। हमारे सांस्कृतिक सारे समाज को तोड़ने का एक कार्यक्रम था, उसको तोड़ा गया, और जो बाद में हम अभी तक झेल रहे हैं उस त्रासदी को, उस जेनोसाइड को, उस होलोकास्ट को, उसके बाद जो एक लिटरेचर हुआ, लिटरेचर इन एग्जाइल, जिसमें कई अग्रणी लेखक रहे, कवि रहे, जिन्होंने अपने अपने संदर्भ में, अपने अपनी क्षमता के अनुसार इस पूरी वेदना को प्रकट किया। इन सभी साहित्यकारों में, लेखकों में, कवियों में डॉक्टर श्यामा कौल जी का नाम अग्रणी रहा। वो इस कारण क्योंकि उन्होंने इस वेदना को न केवल एक कवि की दृष्टि से देखा, एक लेखक की दृष्टि से देखा, या उपन्यासकार की दृष्टि से देखा, बल्कि एक चिंतक की दृष्टि से देखा कि समाज में विघटन कैसे हो रहा था, उसमें सबवर्शन कैसे हो रहा था, और हमें किस तरह से छला गया, और खास करके हमारी मातृशक्ति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, चाहे वो मानसिक था, शारीरिक था या सामाजिक था। क्योंकि हमारे समाज में माताओं का जो एक रोल रहा है वो काफी एक रीढ़ की हड्डी का रहा है, चाहे वो आदि कवित्री ललेश्वरी हो, रूप भवानी हो, अरिणमाल हो, रसदद हो, बागेबड़ी हो, ये पूरी श्रृंखला चलती आई। श्यामा जी ने कई उपन्यास लिखे जिसमें निक्की तवी के किनारे, रिहर्सल, दर्दपुर, और कई कविता संग्रह, कई व्याख्यान, कितने लोगों को प्रेरित किया, और निरंतर लगी रही। एक सबसे पहले तो उनके चरणों में मैं नमस्कार भी करता हूँ, हमारे लिए मातृ तुल्य हैं, हमारी प्रेरणा की स्रोत हैं। और दर्दपुर इसलिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है क्योंकि इसमें राजनीतिक, सामाजिक और मानसिक तौर पर हमारे समाज को कैसे तोड़ा गया, उसको विखंडित किया गया, और इसको एक बड़े मार्मिक तरीके से, बहुत ही हृदय स्पर्शी शब्दों में, जो इसमें डायलॉग्स हैं और वो जो कथानक है इसमें, उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे दृश्य एक फिल्म के समान आपके सामने चलते हैं, और उसमें, डायलॉग्स और इस चीज को सामने लाने में इस उपन्यास का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसे तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर मैं कहूंगा कि इसको कहीं करिकुलम में भी कई जगह लाया गया, लेकिन इस उपन्यास को न केवल हमारे समाज को बल्कि पूरे भारतवर्ष को देखना चाहिए, विभिन्न भाषाओं में इसे ट्रांसलेट भी करना चाहिए। इस कारण नहीं कि ये एक उपन्यास है, इस कारण कि एक वृत्तांत है। इसमें एक मानचित्र खींचा गया हमारे जेनोसाइड का, हमारे जनसंहार का, और ये जीवंत है, कंटिन्यूटी में जो हमारे साथ बीत रहा है, कैंपों की जो हमारी जिंदगी थी, शरणार्थी जिंदगी। मैं आदरणीय श्यामा जी से विनम्र निवेदन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आमंत्रित करता हूं कि इस पूरे उपन्यास को तो वो सामने रखें, और इसके प्रति उन्होंने किस तरह से हमारे जनसंहार को, हमारी क्रांति को, और हमारे जो मानवीय अधिकारों को सामने रखा, विघटन कैसे हुआ समाज में, कैसे छला गया, उसके पीछे क्या प्रेरणा रही, उस उपन्यास के पीछे उसको कैसे देखती हैं। मैं तो उसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास समझता हूँ, आदरणीय श्यामा जी। बहुत बहुत आभार हिमालयन हेरिटेज का, आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप मेरे बेटे समान हो, और ये जो दर्दपुर की भूमिका आपने बांधी उसके लिए भी बहुत
बहुत बहुत आभार। और सबसे पहले मैं गुरु वंदना करूंगी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव ईश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसकी जो प्रेरणा है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गुरु ही होता है। तो आपने मेरे लिए ये रखा है कि हमारा जिनोसाइट और दर्दपुर, बहुत सुंदर है ये जो मेरे मन का है, ये जो आपने विषय रखा है। सबसे पहले तो मैं उन नेताओं को बहुत बहुत साधुवाद कहूंगी जिन्होंने इस बार जो विस्थापन हुआ और उन्होंने प्रतिरोध शुरू किया, जिसमें डॉक्टर अग्निशेखर, डॉक्टर अजीज रंगू, पनुन कश्मीर और इसके अंतर्गत सारे समुदाय ने इनके पीछे जो एक स्ट्रगल किया और इस जिनोसाइड को जिनोसाइड कहा, इस सारे संघर्ष को वो शब्दावली दी जो इसके लिए उपयुक्त थी, जो अभी सारे भारत से भी गायब थी और अभी भी है, लेकिन इसमें लीडर का काम कश्मीर ने किया, कश्मीरी पंडित ने किया। अब मैं जिनोसाइड में एक बचे हुए नागरिक जो सदेह रहा हो, अभी मैंने अभी एक कार्यक्रम की एक वार्ता दी मैंने आलोचना वालों के साथ, वहां मैंने कहा कि निर्वासन क्या होता है, जनसंहार क्या होता है, वो जीवित जो होते हैं उनका सब कुछ खत्म किया जाए, लेकिन सदेह देह उनकी बची होती है। देह में क्या है? देह में आपकी आत्मा है, देह में आपके विचार है, देह में आपकी बुद्धि अक्षुण्ण है, देह में आपकी सारी सारी चिंतन शक्ति है, और ये बहुत बड़ी पूंजी आपके पास बची रहती है, जिसमें आपकी स्मृति रहती है, जिसमें आपकी वो सारी शक्तियां बची रहती है, और उन शक्तियों को एनेक्ट करने के लिए आपके पास इंद्रियां भी है। तो ये बहुत आपके सामने से सारी मायावी चीजें हट गई, तो इसका अर्थ है कि आपको ईश्वर ने किसी खास काम के लिए रखा है, भेजा है इस धरती पर। मैं मेरा तो यही अर्थ था, अगर मैं जिनोसाइड से जीवित बच तो नहीं गई, लेकिन देह बच गई और देह के साथ मेरा चिंतन बच गया, मेरा मेरी बुद्धि बच गई, मेरी आत्मा बच गई, और इसका सदुपयोग कैसे करना, और ये सदुपयोग मुझे ही नहीं करना क्योंकि मैं लेखक हूँ, ये हर एक नागरिक को करना है, हर जो भी जिसको जैसे भी उसको जिस भी रूप से शक्ति प्राप्त है, एक विशेषता प्राप्त है, कोई गुण प्राप्त है, तो उसको इसमें लगाना है, क्योंकि जिनोसाइड जो है वो एक बहुत बड़ा, वो जो स्नोबॉल कहते हैं, एक पहाड़ है, स्नोबॉल तो कुछ भी नहीं, एक पहाड़ है विकृतियों का, पहाड़ है हमारे प्रति पापों का, पहाड़ है हमारे प्रति गलत चीजों का, हमारे उत्पीड़न का, हमारे शोषण का, हमारे स्वाभिमान हनन का, हमसे भूमि छीनने का, हमसे सारे सुख सुविधा और हमसे सारे अधिकार छीनने का एक पहाड़ है, और इस पहाड़ को रेजा रेजा करना, रेत रेत करना, ये हम सब का कर्तव्य है। और इस जिनोसाइड जो ये सत्यम तो पत्यम जिनोसाइड हमारा है, मैं ये श्योर हूँ कि इसको पत्यम भी तो इसका इस एकदम से मतलब ये तुक नहीं मिलती है, ये कोई सच्चाई है कि दिस इज द लास्ट एंड यहाँ से अंडू होना शुरू हो जाएगा जो कुछ भी हुआ। ये तो मैं आपको एक मिस्टिक बात बता रही, और मिस्टिक संकेतों में मेरा बहुत विश्वास है, और ये विश्वास मात्र विश्वास नहीं है, ये बड़े गहन विश्वास है, इनको मैंने फलित होते देखा है, इनको मैं फलित होते हुए देखूंगी और मेरी अगली पीढ़ियां भी देखेंगी। इसलिए इस पहाड़ में से अगर मैं एक पत्थर निकालती हूँ, ये मेरा धर्म है एज ए लेखक, एज ए स्त्री, एज ए नागरिक, और ये काम इस पहाड़ को नेस्तनाबूद कर, ये भूमि समतल करना, ये हम सब का कर्तव्य है, जितने भी हम सब जिनोसाइड से सदेह बचे हुए नागरिक हैं। तो
बचे हुए लेखक की भूमिका जो थी उस पर मैंने चिंतन किया जब हम वहां से निकाले गए, जब हमारा निर्वासन हुआ। तो पहले मैं थोड़ा सा जिनोसाइड को करूंगी कि क्या है जिनोसाइड। तो ऐसे तो पाश्चात्य इसका जो 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 इसकी परिभाषा है वो ये है कि आपका सर्वनाश होता है, आपका संहार होता है, और फिर वो संहार जो है वो कंटिन्यू रहा रहता है। और तो संहार जो है वो संहार तो यूं ही नहीं करेगा कोई, जरूर है कि उसके पीछे उसके सपोर्ट स्ट्रक्चर होते हैं, और तभी तो होता है। सारे सारे ऐसे उपकरण होते हैं जिनसे वो जिनोसाइड कंटिन्यू रहता है। तो ऐसे में हमारा जो जिनोसाइड है ये दिस इज अ क्लासिक, ये एक क्लासिक जिनोसाइड है। और मैं दावे से कहती हूँ आज 370 भी हटा है, 35A भी हटा है, हम यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जिनोसाइड हमारा चल रहा है। ये बात गांठ रखिए बांध कर, अभी कुछ नहीं हो रहा उसमें जो है, लेकिन हम लगे हुए हैं, हम मजदूरों की तरह लगे हैं, हम सिपाहियों की तरह लगे हैं। हमारे पास पेन है वो चला रहे हैं, हमारे पास कला है वो चला रहे हैं, हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे पास जितनी भी एक्सीलेंस है वी आर यूजिंग दैट। उसमें हम कोई कसर नहीं रख रहे हैं, और यही तपस्या का हमारा की पद्धति है, ये फलित होगी। और फलित होना तो देखिए, अगर अभी 370 के बाद अभी कुछ थोड़ा लग नहीं रहा हमें कि कुछ हो रहा, लेकिन शुरू हो जाएगा जरूर। तो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जिनोसाइड के बीज कहाँ से पड़े थे, राजा हर्ष के समय से, जब उसकी सेना में 100 तुरुष और उनको उस वली के अनुनय विनय के आधार पर वो अपनी सेना की 100 टुकड़ियों का एक एक तुरुक जो है सूबेदार बनाता है। और ये अब ये जो सीधे सीधे आपकी सुरक्षा में घुसपैठ हो गई शत्रु की, तो जाहिर है कि उन्होंने फिर समाज में भी घुसपैठ की होगी, बीज वहां पड़ गया। और आप उस उन बीजों को देख सकते हैं आचार्य अभिनव गुप्त जी के तंत्रालोक में भी। वो 15वें महानिक में कहता है कि अतन्मय लोगों के लिए कुछ इंस्टीट्यूट खोलो, यानी कि कुछ हो रहा था, कोई सुगबुगाहट थी शत्रु की। म्लेच्छ शब्द वो यूज करता है, बोल रहा है कि म्लेच्छ है, वो अधर्म की तरह ले जा रहे हैं लोगों को, आप कुछ करो। यानी कि उन्होंने जो संकेत दिया था उस समय संकेत मात्र की जरूरत थी, लेकिन आज उस संकेत के हम बहुत बड़ा फल भोग रहे हैं। और हमारी तो कितनी कितना सर्वनाश, कितने लाखों लोग हमारे जिनोसाइड के शिकार हो गए हैं, कितने मारे गए हैं। तो ये जो फिर इसका जो पूरा फलित हुआ 1323 में, जब वो क्या नाम था उसका, वो तुर्क आया था, तुर्क ही वो भी था, यानी कि एक तुर्क ने पहले यहाँ पर बीज लाया, और फिर वो जो क्या वो था दुलचा, और दुलचा जो 70,000 अपनी सेनाओं के साथ आया और सर्वनाश किया, मटिया मेट किया, सब कुछ तबाह किया। और उसके बाद जो नवटो अहम वाला अभियान, यानी कन्वर्शन, रलिव गलिव और तलिव, कन्वर्शन खत्म, मार डालो और भाग जाओ, तीन चीजें। और नबटो अहम का एक अभियान था कि आपको सुनिश्चित करना था कि आप कन्वर्ट हो गए हैं। आप जो अब उसे नबटो अहम वाली जो एक्सरसाइज है, खिड़कियों से निकल के आपको दिखाना कि नहीं मैं बट नहीं हूं, मैं मुसलमान हो गया, मैं सच्चा मुसलमान, इससे आप जान सकते हैं साइकोलॉजिकली कि मुसलमान होना, कन्वर्ट होना कितना बड़ा, कितनी बड़ी हत्या, वो हत्या से भी बड़ी हत्या। इसीलिए वो जोन राज कहते हैं, जब जब बट गजन में हिमपात होता और हिम के नीचे 50,000 बट निकलते, बट धबते हैं, जिनको कि वो ले जाता है अब गुलाम बनाने के लिए,
तब वो कहता है कि जो मर गया वही मुक्त हुआ, यानी कि मृत्यु एक खुशी बन जाती है ऐसे माहौल में। ये कैसा कितना बड़ा विद्रूप है। और ऐसी ये ऐसी हालत है ये 500 वर्षों की। ऐसे में आपका साहित्य खत्म किया जाता है, आप ऐसे आप आपके उत्पीड़न उनकी कल्पना की जा सकती है। और ये जुल हाँ तो बट ये जो ये मास एक्सोडस उसके बाद जो 11 घर बचते हैं, इसको भी मैं एक अजीब सा देखती हूँ कि मतलब तुर्कों से आए, उन्होंने हमारी सुरक्षा में घुसपैठ की, ठीक है, और उसके बाद 11 घर बच गए, वो बीज रूप में बच गए। वो बीज यानी उन्होंने पहले तहस नहस करना शुरू किया, लेकिन 11 घर जो बचे वो ऐसा बीज थे जो वापसी करेंगे, और उन्हीं के हम वंशज है, उन्हीं 11 घरों के हम वंशज है। समय लगेगा, काल पुरुष में समय का कोई ज्यादा वो नहीं होता है, 30 साल 1000 साल हमें धैर्य भी रखना है, लेकिन हमें अथक मेहनत करनी है सही दिशा में, सही आशा के साथ, गहन आशा के साथ। अब ये जो 11 घरों का बचना है, ये तो हमारा बचना, हम उन्हीं के लोग तो है। अभी 7 एक्सोडस की बुक पुस्तक जो है वो प्रोफेसर सतीश गंजू ने लिखी है, हम सबको उसे पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। तो अब इस कालखंड में जो कुछ भी रहा होगा वो सारे हमारे रक्त में आया होगा, वो DNA में आया होगा, हमारे विचारों में आया होगा, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में आया होगा, हमारी सुरक्षा करने की, हमारे जो सामाजिक जो वातावरण है, सामाजिक रेस्पॉन्सेस है, उसमें आया होगा। तो इसने हमारे भीतर के शौर्य में, हमारे भीतर की जो सारी चीजें हैं उसमें उथल पुथल तो जरूर की होगी। और हमारा मनोविज्ञान, हमारा व्यवहार, हमारे अंदर कितनी ग्रंथियां बनी होंगी, उसके बारे में जो कुछ भी शोध हुआ है वो भी हुआ है, वो होना चाहिए। और जैसे हमें पर्सिक्यूशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं कि हमारे भीतर है, वो है, वो सचमुच है। और इस सब में हमारे पास तलहन की राजतरंगिनी है, और उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों की राजतरंग, जैसे श्री भट्ट ने जॉन राज को बोला कि अब मैं एक डायरी पढ़ रही थी, और डायरी मेरी छोटी बहन की, वो बड़ी विद्वान थी संस्कृत की, तो उन्होंने लिखा है कि जब मैं तलहन को के मतलब स्थानों के नाम पढ़ती, उसके बाद आते आते मैं यहाँ पढ़ती हूँ हसन हुसैन सल्लरई, और फिर वो छोड़ देती है तो फफक फफक के रोती है कि उन स्थानों का क्या हो गया, स्थानों की मृत्यु। और वो स्थानों की मृत्यु, उन मृत स्थानों में हम जी रहे थे, तो उनकी क्या, हम हमारी ये देखिए ना किस तरह का जिनोसाइड है, ये किस किस लेवल पे जिनोसाइड है। और अभी जैसे 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 ये लोग कन्वर्ट करते हैं, जैसे परमेश्वरी परवीन अख्तर हो गई, इसी तरह से हमारे, अभी मैं गई थी 2000 में कश्मीर, और जो नारबल था, अभी अभी का नारबल, उसको नारबल हटा के अली आवाज, और भी देखिए वो कोहे सुलेमान और वो सब क्या, कोहे मारान और ये सब चीजें। तो हमारे पास अब जिनोसाइड का भी उतना इतिहास है। अब इतिहास है लेकिन ये पढ़ाया नहीं जाता है, वहां मुगलों का, वहां बादशाह की बादशाह का बड़प्पन पढ़ाया जाता है, वो बड़ा वो था, बड़ा उदार था, वहां कुछ और ही पढ़ाया जाता है। लेकिन जिनोसाइड की ये बातें हमारे नाना ने बोली, हमारी नानी ने बोली, हमारे और नानी ने अपने पूर्वजों की बोली, हमने देखा हमारे मंदिरों को। मेरी नानी बोलती है कि मंदिर जो था, ये जो गांव का मंदिर है, इसकी दीवारों पर बहुत सुंदर सुंदर चित्रकला थी। और मेरे हिसाब से जब मैंने होश संभाला, मुझे लग रहा था कि अब मंदिर तो ऐसा ही रहा होगा हमेशा, लेकिन जब उसने ये बात बोली तो मैं चौंक गई। मैंने देखे गांव में खंडहर,
और खंडहर पर देख कर जब मैंने आंख खोली तो मेरी नानी मुझे उनकी कथा सुन रही थी। कबायली आए थे, उन्होंने वो तोड़ के गए और इन घरों के लोग मारे गए और घरों के खंडहर वैसे पड़े और हम बगल में जी रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए मेरे पे क्या बीतेगी। तो इस तरह से यही चीजें हमको मुझे हर क्षण हम जी रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुसलमान हैं और उनको हम कैसी चिरौड़ियां करते हैं, हम कितनी उनकी वो करते हैं। मैं आपको एक बचपन की बात सुनाना चाहती हूँ कि मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ती थी जहाँ पर हमारे धर्म का बोलबाला था, जहाँ पर जैसे रूपा देवी शारदा पीठ, जहाँ मैंने दूसरी जमात में दूसरे स्टैंडर्ड में मुझे भगवद गीता पढ़ाई गई। लेकिन वहाँ मुसलमान लड़कियां भी पढ़ती थी क्योंकि ये लोग जानते थे कि पंडितों के स्कूल में आपको शिक्षा बहुत अच्छी मिलेगी। और वहाँ की जो कुछ मुसलमान लड़कियां इतना उत्पीड़न हमारा करती थी, मैंने कुछ किस्से उसमें दर्दपुर में भी लिखे हैं। एक बार की बात है मेरी स्याही की दावत रह गई दीवार पर और एक मुसलमान लड़की आई, उसने ये उठाई तो मैंने कहा मुझे दे दे, ये मेरी है। बोलती पहले रो दे, पहले रो के दिखा, तू रो, जब तू रोएगी तो तब मैं दूंगी। ये क्या है? ये उनके डीएनए में हमारा उत्पीड़न करना है इतने बचपन में, कि बच्चे में अमानवीयता का जो है। और मेरा भी डीएनए बंद है भाई, मुसलमान के सामने तो भाई गिड़गिड़ाना होता है। और एक किस्सा तो मैंने दर्दपुर में ही बोला है कि मास्टर जी मैसेंजर का वो, मैं कुछ उसका अर्थ बताती हूँ तो मुसलमान लड़की पीछे से आके मेरी ऐसी चमड़ी उतार देती है। इसने पहले दरूदा पढ़ा, अब दरूदा मुझे कुछ पता नहीं दरूदा होता क्या है। तो ये जो है, ये जिनोसाइड की छोटी छोटी बातें और ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये उत्पीड़न की बातें हैं, ये आप सांस्कृतिक तरीके से ही सामने ला सकते हैं। और जब तक आप इन चीजों को नहीं वापस लाते हैं सामने, तब तक आप जो बात कहते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होती है। यानी कि साहित्य वो चीज है जो ऑथेंटिक इतिहास है, जो प्रामाणिक इतिहास है। और जब अब ऐसे में जीते जीते हम लोग, मैं आपको एक और किस्सा सुनाती हूँ मेरे दफ्तर का। मुझे नहीं पता, जब मैं दिल्ली आई निर्वासन के बाद, तब मुझे पता चला कि जो हमारी कुलीग थी एक, उसका नाम नुसरत था, मैं नाम लेने से कोई गुरेज नहीं करूंगी। और बाद में पता चला कि ये जो आसिया इंदिरा भी है वो उसकी भाभी है। और वो क्या कहती थी, मैं उसने कहा कि आप लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। मैंने सोचा पागल हो गई बेचारी, ये तो भारत है, भारत में हिंदू का कहीं से कुछ होगा, अगर हमारा हमें कुछ होगा तो भारत तो इनको छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ, मैंने कहा ये तुम पागल हो गई हो। बोलते नहीं नहीं मैं पागल नहीं हो गई, आपको भागना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। मैं बहुत हैरान हो गई। फिर मैंने उसको एक बात बताई, मैंने कहा ठीक है अगर आप हमारे साथ कुछ करोगे, तुम लोग दिल्ली जाओगे, कहीं जाओगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम नहीं बचोगे। मैं कुछ नहीं होगा, वो सब हो गया है। मुझे कुछ पता नहीं, जब दिल्ली गई मैं, जब शेष भारत में मैंने दिन गुजारे, मैंने लोगों से वो तो बहुत सही थी, वो तो बहुत आगे थी। ये जिनोसाइड की जो सेटिंग्स थी हमारी वो कर चुके थे। और तब मैंने देखा वो लोग आते थे, यहाँ तक कि वो लोगों से चंदे लेते थे, लोगों को बोलते थे कि पंडित गलत थे, हम अच्छे हैं, और लोग विश्वास करते थे। और तब मैंने देखा ये जो जिनोसाइड है ये हमारा तो है, हमारा तो हुआ है, लेकिन ये पूरे भारत का हुआ है। लेकिन हम इसके प्रति सचेत नहीं है। हम दर्दपुर को रचने का ये बहुत बड़ा कारण था कि बचपन से ही जब मैंने अपने जीवन को देखा, मैंने देखा मेरे स्वाभिमान का हनन हो चुका है, उसको खत्म किया गया है, उसका कहीं कोई वो नहीं है। मैं एक दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में हूँ,
हिंदू के रूप में। चलो कश्मीर में मैंने इसे माना था, लेकिन फिर मैंने दिल्ली में भी, शेष भारत में भी यही देखा कि कहीं कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, खुली छूट है। संविधान भी वैसा है, आपकी जुडिशरी भी वैसी है, आपके सारे घटक वैसे हैं, प्रशासन का सब कुछ है। तो ऐसे में जो दर्दपुर मेरे मानस में कश्मीर से ही आया था, उस बचपन से आया था जब मुझे अपनी नानी कबायलियों की लूट की बातें विस्तार से बोली। जब उसने बोला ये जो घर है बेटा, ये तो बड़ी मुश्किल से फिर कैसे कैसे बनाया, इसमें मैंने अपने कान की बालियां निकाल के वो उसमें उपलू में रखी थी, और मैं बेवकूफ थी, उपलू में कहाँ बजती। वो आए, उन्होंने दनादन आग लगाई, वो भी गई, वो बालियां भी बिचारी। ये बड़े विचित्र है ऐसे किस्से। और इसके पीछे जो मैंने कहा 1323 से शुरू होता है वो इतिहास, वो इतिहास के बीच, तो ऐसे में मुझे अपने स्वाभिमान, और मेरा स्वाभिमान कौन सा स्वाभिमान था, मेरे पूरे समुदाय का स्वाभिमान, और फिर समुदाय के बाद मेरे पूरे भारत का सम्मान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान। और जब मैंने रामदेव जी को देखा कि वो स्वाभिमान, अपने स्वाभिमान अभियान चला रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है ये जैसे उन्होंने मेरा शब्द लूटा है। वास्तव में अगर आपका स्वाभिमान जिनोसाइड में, आपको तो मारा जाता, आपको खत्म किया, सब कुछ छोड़ा जाता है, और उसके बाद और बाद में स्वाभिमान आपका हमेशा के लिए चला जाता है, और उस स्वाभिमान को पहले आप वापस लाना चाहते। 370 हटने से अगर कुछ हुआ नहीं अभी तक धरती पर, ग्राउंड पर, लेकिन स्वाभिमान का कुछ अंश मेरा वापस लौटा। 35A से अगर कुछ नहीं हटा, लेकिन अभी मेरा स्वाभिमान का कुछ अंश, क्योंकि एक स्वाभिमान ऐसी सूक्ष्म चीज है, आपको खत्म कर करके मुसलमान अपना स्वाभिमान ऊपर करता है, सबसे पहले वो स्वाभिमान अपना ऊपर करता है। आपको बोलता है कि आपकी कोई हिस्ट्री नहीं थी, आप मानते हैं, उसको पता है ये मानता है क्योंकि मुझसे डरता है, सच ये नहीं है, तो उसके तो स्वाभिमान के 4 चांद लगते हैं। तो ऐसे में एक लेखक का जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं कहती हूँ पूरे भारत में लेखकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिनोसाइड कश्मीर का ही नहीं, ये पूरे भारत का जिनोसाइड, पूरे भारत में जहाँ देखो संहार है। कैसा संहार है? जनसंहार भी है और सांस्कृतिक संहार भी है, मगर दुर्भाग्य से यहाँ उस संहार को कवर करने बैठे हुए हैं लोग, उसको पर्दा डालने बैठे हुए लोग, ऐसे ऐसे जेनोसाइड हुआ है। और आपकी भाषा के साथ खेला जाता है, भाषा के साथ खेला, यानी ऐसे ऐसे तर्क दिए जाते हैं जो कुतर्क है, और कुतर्कों के साथ आपके पूरे मशीनरी लगी हुई है कि आप कुतर्क को तर्क मानो। ऐसे में दर्दपुर का लिखना बहुत जरूरी था। क्यों? मेरे पास क्या था? कलम थी, और वही मैंने जो कहा कि एक ईश्वर ने एक बौद्धिक शक्ति दी थी, और ये बौद्धिक शक्ति मैंने समझा ये मेरी नहीं है, ये मेरे पूरे समुदाय की है, उस एक एक कश्मीरी हिंदू पंडित की है जो तबाह हो गया है। इसलिए उसके तरफ से आई वॉज रिप्रेजेंटिंग एवरीवन, सो आई हैड टू पेन इट डाउन। और कैसे? पूरी अपनी सच्चाई के साथ, बिना कोई समझौता किए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी से डरे। आप क्या डरोगे? आपका क्या जाएगा? मेरे पास क्या था जो मेरे से छीना जाता? स्वाभिमान तो छीना आपने, लेकिन अब मेरे पास अगर कुछ टूल्स है, वो बड़े सूक्ष्म है, वो इस शरीर में है, इस शरीर का इस्तेमाल करूंगी मैं, उन टूल्स
को इस्तेमाल करूंगी, मैं उस स्वाभिमान की कोई एक बिंदु वापस लाऊंगी शब्दों से, उसके बाद तुम मुझे मारो, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कुछ नहीं करना इस शरीर का, मुझे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन मुझे लेना देना है अपनी संस्कृति से, अपने स्वाभिमान से, अपनी कंटिन्यूटी से। मैं एक कंटिन्यूटी हूँ। तो इसलिए जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास चिंतन था, तो मेरे पास एक प्रश्न था, मैं क्यों, ऐसा क्यों हुआ ये सब, ये क्या हो गया, ये कब से हो गया, क्या है मेरा पाप, अगर ये पाप है भी, ये क्यों पाप माना गया कि मैं हिंदू हूं, और जो पाप इसे मानते हैं मेरा, उन्हें दंडित क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये पाप तो है नहीं। लेकिन वहां मैंने देखा कि नहीं, जिन्हें मैं आशा करती हूँ मेरे लिए बोलेंगे, वो मेरी तरफ से उठेंगे, वो भी तो वही बोल रहे हैं, वो तो उस परसिक्यूशन, वो उस उत्पीड़न, उन्होंने पहले ही सरेंडर कर रखा है, उन्होंने अपना आत्मसम्मान, अपना सब कुछ, मैंने लेखकों को देखा ये बोलते हुए कि हम तो इस्लाम कबूल करेंगे। इसलिए मैंने ये देखा कि मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं कौन अकेली हूँ जिसके भीतर सब हैं, जिसके अंदर सब है। कौन सब है? वो भी जो इन गलतियों को सुधारने का, जिनके पास बेचारियों के पास शक्ति नहीं है, जिनके पास वो बात नहीं है, अगर मेरे पास है तो इसका मतलब है उसके हिस्से की मेरे पास की है, और मुझे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर मैंने देखा कि ये पूरे भारत को, ये दर्दपुर जो है, दर्दपुर कश्मीर की कथा, कश्मीर में है स्थान, लेकिन कश्मीर से होते हुए ये दर्दपुर मेरा आशय है कि हे भारत, तुम पूरे, पूरा भारत दर्दपुर है। ठीक 1947 से जिन लोगों की बेगुना, मतलब मुझे तो एक कितने लोग मिले हैं जो रोए, हमारा क्या पाप था, अरे लाहौर में तो बहुत हिंदू, हम हिंदू ही थे, और क्यों हमें आतंक बोला गया कि तो खाली करो। तो ऐसे सरफिरी राजनीति जब हो तो इस देश में कुछ भी संभव है। और उसके बाद वहां से आते हैं, फिर वही भाईचारा है, फिर वही सेक्युलरिज्म है, और जो लेखक लिखते हैं वो कहते हैं बैलेंस करो। बैलेंस किसको करें? इतना इम्बैलेंस है कि हम तो, ये जो निर्वासन साहित्य है ये बैलेंस कर रहा है, उस जड़े हुए झूठ को दहा के सच बोल के ये तो बैलेंस कर रहा है, ये तो महान बैलेंस करने वाला साहित्य है। हर कश्मीरी पंडित के पास जो सच है, जो वो बोलता है, हर एक में दम होना चाहिए। चीजें छोड़ दे, ये तो कोई हमसे कुछ ले नहीं सकता, ये सृष्टि अंततः शिव के हाथों में है, और शिव कंठ में विष लिए हैं। उन्होंने शिव ने कंठ में क्यों रोका हुआ, उनको नील कंठ बोले रहे हैं, बोल रहे, यानी कि वो इतना ट्रांसपेरेंट है, आपको हर क्षण दिखता है, यानी शिव आपको सचेत करते हैं, इधर रखा हुआ है, मैं तुम पे उंडेलूंगा, फेंकूंगा तुमको, नेस्त नाबूद करूंगा। इसलिए ये क्या है, ये सत्य है, और ये सत्य, ये जो विष है, इतना विष, इतनी सच्चाइयों का जहर, सच तो कड़वा होता है, ये हमें, हमारे कंठ में है, और हमारे कंठ से ये निकलना चाहिए। क्यों? मैं शत्रु पर इसे उंडवलना चाहती हूँ। मैंने देखा कि पूरे भारत में शत्रु बोध ही नहीं है, सेंस ऑफ एनिमी ही नहीं है, वहां एनिमी के मानव अधिकार है, वहां शत्रु के मानव अधिकार है, और मेरे
मुझमें तो क्रोध उन्हें पता होना चाहिए, लेकिन उस मुझे मैंने अपनी जो पहली किताब है समय के बाद उसकी भूमिका एक लेखक से लिखाई, तब तक अभी मुझे लग रहा था कि नहीं लेखक तो इतने बुरे नहीं होंगे, मतलब लेखक तो मानवीय होते हैं। तो उन्होंने जब लेखा उसका एक भूमिका लिखी तो उसने एक शब्द एक वाक्य लिखा, सात्विक क्रोध का शमन। मैं हैरान हो गई, मैं इससे चिंतन में पड़ गई, सात्विक क्रोध क्या होता है और उसको शमन क्यों करना है। अगर क्रोध मेरा सात्विक है, वो भी जानता है मेरा सही क्रोध है, मेरा बड़ा जेन्युइन क्रोध है, और उसको शमन करना है। अगर मैंने अपने क्रोध का शमन करना है तो उसको शुद्ध रूपे उंडेल के ही करना है, और वो उंडेलूंगी मैं कैसे, शब्दों से। जो ईश्वर ने मुझे टूल दिया है, जो उपकरण दिया है, मेरे पास शब्द है, मैं उनको उंडेलूंगी शत्रु पे, शत्रु को खत्म करूंगी, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं बख्शूंगी नहीं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, हम कृष्णा आता था तो एक बार कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, वो किसी छोटी सी बात पे क्रोधित होता है अर्जुन, लेकिन कृष्ण बोलते हैं अर्जुन अपने क्रोध को बचाओ बड़े युद्ध के लिए। इतनी बड़ी बात है, कितना बड़ा संदेश है, ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात है, हमें समझना चाहिए। और हम लोगों को, मैंने दर्दपुर इसलिए भी लिखा कि मैंने सोचा मैं इसमें एक एक सच ऐसी घटना दूं, ऐसा सच दूं कि लोग उसके संदेश को जानें, कि देखो ये जो भारत है, ये जो कश्मीर है, ये जो एक बनाया हुआ एक ऐसी फीलिंग दी है राजनेताओं ने कि ये कश्मीर तो सचमुच अलग ही है, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी पढ़ाई गई है, चेतना ऐसी डाली गई है लोगों में कि अलगाव 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 अलगाव। तो ये तो मैंने बहुतों को सुना है, बोलते हुए सुना है कि अरे ये देना चाहिए, क्या सरदर्द रखा है, देना चाहिए पाकिस्तान। बहुतों ने ऐसा, वैसे बहुत बड़े मूर्ख मुझे मिले हैं जीवन में जब मैं दिल्ली प्रवास पे थी, तो फिर उनको क्या कहें, कोई उन मूर्खों, हमारे पास एक टूल है, हम बोलेंगे कि भाई कैसे भारत जो है उसका स्रोत कश्मीर है, उस पहाड़ से, उस हिमगिरी के उत्तुंग शिखर से ही आया है नीचे मनुष्य, कैसे तुम उसको दोगे, और क्यों अचेत कर रखा है आपने अपने लोगों को, अपने जनता को। और देखिए ना, हमारे हमारे धर्म के लिए बोला जाता है, ये तो धर्म तो निजी होता है, सब मैंने देखा है, सब बोलते हैं, तो बड़ी पर्सनल चीज है, और मजहबी लोग जो है उनके लिए कोई पर्सनल नहीं है, ये मान के आप चलते हैं, ये आपके अंदर कीड़ हो चुका है, उनको आप बोलते हो कि नहीं तुम्हारा जो मजहब है वो बड़ा सामुदायिक है, वो आपको संगठित करेगा, वो आपका बड़ा सामूहिक है, लेकिन हमारा धर्म निजी है। इस तरह से खंडित करना और इसमें शासन के प्रबंधन का जो योगदान, वो बड़ा विचलित करने वाला था, और उस विचलन का मेरे पास एक उपाय था, यही जो मैं तो कहती हूं कि जिसके पास जो उपाय है वो उपाय करिए, एक क्षण निष्क्रिय न रहिए, जीवन के काम करिए, मन में भारत, अपनी मातृभूमि, अपने धर्म, अपने स्वाभिमान। हमारा धर्म क्या है, वो हमारा स्वाभिमान है। आप धर्म को उस धर्म में मत लीजिए यदि कट्टरपंथी है, वो है ये है, हिंदू को तो कट्टरपंथी बोला जाता है, वो आपका स्वाभिमान है, वो आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा खत्म की जाती है। मैंने यहाँ से यहाँ इतना दिया, मतलब अभी मैंने आपको अभिनव गुप्त का भी बताया कि उन्होंने संकेत दिया है कि भाई कुछ होने वाला है, मलेच्छ लोग अधर्म में अतन्मय लोगों को वो कर रहे हैं, इंक्लाइन कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से कुछ इंस्टीट्यूट खोलो,
आपके गुरुकुल बंद कर दिए गए, उनके मदरसे चल रहे हैं, आप लेकिन कुछ नहीं कर रहे, चुप हैं, सब चुप हैं, आनंद में हैं, मजे में हैं। जब जो ही बटिया तो सो ही खटिया, इस दैहिक इस भौतिक जीवन को जी रहे हैं, लेकिन ये जो निर्वासन है ये इस दृष्टि से हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक एक उज्जवल पक्ष इसका ये है कि हमारी जो इसको इस दैहिकता को देखना, इस भौतिकता को देखना खत्म, इसमें कोई विश्वास नहीं रहा। आत्मिकता को, आत्मा की कंटिन्यूटी को, हमारी कंटिन्यूटी को, हमारी पारंपरिकता को, हमारी सांस्कृतिकता को, हमारी धार्मिकता को, उसको समझना और उसको जीना, उसे गर्व करना और उसी में रखे हुए शस्त्राघार में से निकाल के शत्रु को मारना। अब हमारे पास कोई बंदूक नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप कविताएं लिखते हैं, हमारे नेता लोग कुछ स्टेटमेंट देते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है, उनके पास बंदूक है, हमारे पास विचार है, इसीलिए वो फिजिकली हमको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हम विचार हमारा खत्म हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वो उत्पीड़न देते हैं ताकि हम आत्मदमन करें, खुद को समझाएं कि नहीं, ये विचार नहीं बोलना है। यही तो बात है, इसीलिए तो हम अपने पे अंकुश लगाए हुए हैं। अरे चुप, वो सुन रहा है, ऐसे नहीं कहना, और ऐसा कोई अंकुश वो नहीं मानता। क्यों? हमने अंकुश खुद पे लगाया, उस पे नहीं लगाया। ये जो बातें हैं ये दर्दपुर के मूल में है, और ये दर्दपुर के मूल में ही नहीं, ये मेरे पूरे साहित्य के मूल में, ये मेरे लिखने के मूल में। मेरे लिखने का कोई उद्देश्य नहीं है आप मुझे फेम दो, प्रतिष्ठा, मैं कह रही हूँ वो सब तुम रखो, मुझे मेरा स्वाभिमान, मुझे मेरी कंटिन्यूटी को अक्षुण्णता प्रदान करो, मुझे मेरा सब कुछ वापस करो। वो जो दुख का पहाड़, वो जो जिनोसाइड का पहाड़ है, उसको तोड़ने में मैं कसर नहीं रखूंगी जब तक जीवित हूँ, जब तक इस शरीर में दम है। और मैं ही नहीं हूं, मेरे लाखों लाखों लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं। तो दर्दपुर के जो है कारण यही है, और दर्दपुर का जो सच्चा बीज है, जो मैंने जब बोला कि नानी ने मुझे ये बताया कि ऐसे आए थे कबाइल, ऐसे हुआ ये, वैसे दर्दपुर में मैंने बहुत जगह पर इन चीजों का जिक्र किया है। और फिर जब मीडिया वैसे लिखेगा, हिंदू को कोसेगा, मुसलमान को दुलारेगा, दुलराएगा, क्या बोलते हैं, उसको पोषण करेगा, हमारा शोषण करेगा, हमारे सारे तंत्र का जो पूरा ताना बाना है वो ऐसा ढरा हुआ है, अभी भी ढरा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इन सब बातों को, इन सब बातों का विश्लेषण मेरे शक्ति भर, जितना जितने अंदर मेरी शक्ति थी, मुझे ईश्वर ने दी थी, वो मैंने भरपूर बरसक बिना लाग लते प्रयोग में लाना चाहा और बोलना चाहा, ताकि मैं मुक्त हो जाऊं। और मैंने अभी शिव का वो दिया आपको कि वो जो होता है उसमें कंठ में उसके, अब जो दुख है, दुख को भी आप बड़े ताकत में बदल सकते हैं। वो तो शिव ने किया, को जहर दिया गया, मैं कंठ पे रोका, वो हमारे समुदाय ने किया, वो हमारी कम्युनिटी ने किया। उन लोगों के पास बंदूकें थी, उन लोगों के पास बहुत कुछ था मारने का, लेकिन हमारे पास ये चीज थी
हमने उन सब बातों को जमा किया और लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारे पास सच्चाई थी। तो अभी सब लोग कहते हैं, हम वो कल भी मेरी बुक रिलीज में कहते थे कि भाई हमारा, मैं बहुत तीखा लिखती हूँ, अभी लिखना जो सच है तो तीखा है, जहाँ मिठाई है, जो झूठी मिठाई है, तो डायबिटीज होने का खतरा है भाई। और पूरे देश को डायबिटीज कर दिया है इन लोगों ने, हम उसको अंडू करना चाहते हैं। ये हमारा ध्येय है और दर्दपुर उस दिशा में मेरा एक बड़ा पहला बड़ा कदम। उससे पहले मेरी डायरी आई थी, उसको भी खूब सराहा गया, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें मैंने बहुत संकेतों में बात की थी। लेकिन संकेतों में बात करते हुए मैं साइमल्टेनियसली एक विश्लेषणात्मक काम भी कर रही थी। दर्दपुर का मैंने 150 पृष्ठ दिल्ली में लिखा था, लेकिन बात नहीं बन रही थी। फिर जब मैं जम्मू आई, तो जम्मू में मैं आपको क्या बताऊं, कभी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में जाना, कभी मैंने जम्मू माता को, जम्मू की धरती को, जिससे मैं बहुत प्यार कर, जहां मुझे सिर्फ जीवन लगता है, धड़कता हुआ जीवन, बहुत सुंदर है ये जम्मू, तब मैंने जम्मू की धरती को एक बार चुपचाप प्रार्थना की कि हे माँ, मुझे प्रेरणा दे, मुझे शक्ति दे, कि मैं ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, ये जो मेरा, मैं जानती हूँ जो दर्दपुर है वो शायद उपन्यास उस तरह का नहीं है जिस तरह से उपन्यास होते हैं, लेकिन ये ऐसे ही लिखा जा सकता था। और दुख की, दुख ऐसा है, हमारा दुख अजीब सा चीज है। चेखव की एक कहानी है, तो उसमें एक उसका अनुवाद है, आप कितने दयालु है, तो उसमें हम लोगों में से बहुतों को पता ही नहीं, समझ ही नहीं आता अपना दुख। ये पूरे कश्मीर की बात नहीं कर, ये भारत की भी बात, अपने दुख को नहीं जानते, समझ ही नहीं पाते हुआ क्या है हम, अगर हुआ है तो इस पे बोलना कैसे है, कहाँ से वो शब्दावली लानी है, और कौन है वो जिसने ऐसा मेरा हाल किया है। इतना इतना एम्बिगुअस है, इतना धुंधलता है, जिसे मैं बता नहीं सकती। और उस धुंधलके को हटाने का ये एक मेरा प्रयास था। तो उस चेखो की कहानी में एक नौकरानी करती है काम एक घर में, और उसकी पगार होती है जो होती है, तो वो पगार मांगती है समय पे, तो उसको जो वो मालकिन है तो उसको बोलती है ठीक है ले ले, तूने उस दिन कप तोड़ा था उसका इतना काटूंगी, तूने उस दिन काम अच्छा नहीं किया था उसका इतना काटूंगी, वो बोलती है ठीक ठीक ठीक। अंत में उसके कुछ आने बच, कुछ जो रूबल बचते हैं तो वो देती है, तो बोलते आप कितनी जाए, उसको नहीं लगता कि इतने भी मुझे मिलेंगे, लेकर चली जाती। लेकिन चेखव का बड़प्पन है, उसको रुक के इधर बोलती इधर आ। वो बेचारी डरती है, बोलती ये भी गए शायद, अपनी ले जाएगी कि ये नहीं दूंगी, कुछ गलत और गलत किया है। लेकिन वो बोलती है मैंने तुझे बोला कब तोड़ा तूने, तू विरोध नहीं कर सकती, तू मुझे ये नहीं बोल सकती थी कि ये कब तुमसे भी टूटता, मैंने तुझे बोला तूने अच्छा काम नहीं किया, तू कुछ बोल नहीं सकती, तू विरोध नहीं कर सकती थी, तुझे एक थप्पड़ मारूंगा, तू विरोध नहीं करेगी। दरअसल वो कोई देवी थी, वो कोई अच्छी अच्छी औरत थी, और चेखव इसमें हमारा एक संदेश देना चाहते हैं कि तुमको हो क्या, जब तक जब आप विरोध मानोगे, जब आप मानोगे उत्पीड़न, तो फिर उत्पीड़न होता रहेगा, वो बढ़ता जाएगा, लेकिन जब एक बार आप वापस उठोगे, और इस एग्जोडस का यही एक बहुत बड़ी बात है कि हम वापस, और ये हम वापस विरोध कर रहे हैं, 30 साल से कहीं रुके नहीं है, कहीं थके नहीं है, हर विधा में, एवरी जॉनर में, लेखन में, राजनीतिक तो बहुत जबरदस्त हुआ, इसका मैं कहती हूँ कि वो तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, पूरे भारत के लोगों के लिए, वो जो वो लेक्सिकॉन, वो शब्द, वो बातें, वो चिंतन, वो देखना, वो दे दिया पूरे भारत को, दिए कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह से
इसी समय में हमारी विभूतियों का हर क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन था। मैं कहती हूँ इस एग्जोडस के बाद भी भारत के लिए हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन एक एक विधा में है, एक एक विधा में है, चाहे वो आपका राजनीतिक चिंतन हो, राजनीतिक प्रोटेस्ट हो, लेखन हो, संगीत हो, पेंटिंग्स हो। पेंटिंग्स में तो कमाल हुआ है। अभी मैं अभी बंसी पार मुझे की एक क्या उफ बोला मैंने अंदर से, कुछ नहीं बोल पाई, हालांकि मुझे पेंटिंग समझ में इतनी समझ तो नहीं है मेरे पास, लेकिन दिल चीर गया मेरा। पेंटिंग्स में, फिल्म्स में हो रहा है। अब कौन सी विदा हमने छोड़ी, न छोड़ेंगे। और जब ये तपस्या पूरी होगी, ये जो पहाड़ है दुख का, ये जिनोसाइड का, इसको रिवर्सल हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, चाहे हमारे जीवित रहते हुए, चाहे हमारे बाद, ये अवश्य है, ये अवश्यंभावी है। और हमारा शत्रु जो है वो अब समझने लगा है कि मैंने जिस आशा, जैसे उस नुसरत ने मुझे कहा था कि वो कुछ नहीं होगा, तुम लोगों की नहीं सुनी जाएगी, हमारी ही वहां होगी। वो रहा बहुत देर तक, रहा लगभग लगभग 2.5 दशक तक रहा, लेकिन अब धीरे धीरे अंतर आ गया। अंतर इसलिए आ गया कि लोग जग गए, और लोगों को जागने में, जगाने में कश्मीरी पंडित का जो रोल है वो ऐतिहासिक है, वो युगांतरकारी है। भले राजनेता ये ना बोले कि हमने कश्मीरी पंडितों की तपस्या की सफलता के स्वरूप 370 हटाया, भले वो ये ना बोले, ये हिम्मत ना करें, लेकिन सच तो यही है। ये मुसलमान भी जानता है, ये हमारा शत्रु भी जानता है। आप शत्रु को जब तक शत्रु नहीं कहेंगे, तब तक शत्रु पीछे नहीं हो जाएगा, लेकिन जब उसे बोलोगे भैया मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं तुमको समझूंगा, मैं तुमसे निपटूंगा, वो उसका साहस जगमगाएगा, उसकी हिम्मत कम, वो अपनी औकात में जरूर आएगा। ये बहुत बड़ी बड़े कारण हैं। इसमें छोटी छोटी जो बातें, जो घटनाएं हैं, मैंने बड़ी अपनी बारीकियों के साथ अपने शक्ति भर से दर्दपुर में बोली है, वो इसीलिए कि मैं उस जिनोसाइड को, उस सत्य को, उसके कारणों को, एक जगह तो मैं लिखती हूँ कि नानी अपने पिता की बात कहती है कि उनका तीसरा बेटा होता है उसका, तो एक मुसलमान आता है, तो तुम लोग बच्चे बहुत पैदा करते हो यार, ये संकेत मैंने देने की कोशिश की है। मगर इधर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा प्रसंगवश बोलना चाहूंगी कि कुछ वर्ष पहले हम लोग कश्मीरा वाहिनी एक चलाते थे, एक स्त्रियों का एक संगठन था, तो उसमें मैंने बोला था और समझाया था मैंने किस तरह से हमें अपने जो भविष्य के पीढ़ी है उन्हें इस संसार में लाना चाहिए, पूरी तपस्या से, पूरी श्रद्धा से, पूरे उसके साथ, पूरी शुचिता से। वो बहुत जरूरी है, वो शिव कर्म है, और उसको समझाया था मैंने, और मेरा मजाक उड़ाया गया, और हमारे अपने लोगों ने उड़ाया, अरे तुम पालोगी हमारे बच्चों को। तो ये जो कुछ लोग होते हैं, बहुत लोग हम में हैं जो जड़ है, उनको भी हम सचेत करने की कोशिश करते हैं। कहीं कहीं सफलता मिलती है, कहीं विफलता भी मिलती है, लेकिन जहां विफलता मिलती है, ये कालांतर में लगता है कि वहां भी हमें सफलता मिलेगी जरूर, क्योंकि हम सिर्फ वो काम ही नहीं करते हैं, उसके पीछे हमारा, हमारी प्रार्थना भी होती है, हमारी आराधना भी होती है। तो ये इतने, मतलब ये बड़े बड़े कारण हैं
कि वो जो वो प्रसंग जब मैंने नानी से सुना, तो मैं अपने छोटेपन से ही ये सारी बातें नोट करती थी। जब मैंने जाना कि मेरा स्वाभिमान है ही नहीं कश्मीर, तब मुझे लगता था कि नहीं, भारत है ना मेरा। और इसीलिए हम भारत से अनन्य प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अगर भारत का हमारे प्रति कोई रवैया ऐसा अच्छा नहीं है, तब भी हम प्रेम ही करते हैं, क्योंकि प्रेम के अतिरिक्त हमारे पास है ही नहीं कुछ। हम उस शत्रु से भी जरूर प्रेम करते हैं जिसे हम चाहते हैं कि वो अपनी शत्रु बुद्धि से मुक्त हो, चाहे मार दिया जाए उसे, चाहे वो बदले। लेकिन जो उसके भीतर बेचारे के पास जो एक जीवनहीनता है, देखिए शत्रुता होना, गलत शत्रुता होना तो जीवनहीनता होता है, वो तो उसकी दुर्भाग्य है, वो तो उन लोगों का दुर्भाग्य है जो इस कॉन्फ्लिक्ट में है कि हम अब वो नहीं है, वो तो हम ही थे, वो तो कश्मीरी हिंदू थे। लेकिन एक ऐसा समय हुआ आया कि वो दे डिसकंटिन्यूड, जहां वहां रुक गए, जहां वो समाप्त हो गए और उन कंटिन्यूटी खत्म हो गई। उस कंटिन्यूटी को वो जरूर रो रहे हैं, इसीलिए वो ज्यादा हिंसक है। दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था तो मैंने यही कहा था, उनने बोला था एंड आइडेंटिफाई योर आइडेंटिटी। मैंने कहा आइडेंटिफाई हमें नहीं करनी आइडेंटिटी, कश्मीर हम शैव है, हम शिव है, हमारी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी किनकी खो गई है? जो हिंसक है, जो हिंसा करते हैं, जिन्होंने हमें पीड़ा में डाला है, जो जो सर्वनाश करने पे तुले हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद हमारी भी कंटिन्यूटी को खत्म करेंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने बड़े बड़े प्रेम से उनके ये भी कहा था कि भाई बेहतर है आप उस कंटिन्यूटी में लौट आओ, सारे आपके कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो जाएंगे और आपको एक जीवन मिलेगा। हम अगर मारे गए, हमारे जिनोसाइड के हम शिकार हो गए, लेकिन तब भी हम निष्कलंक निष्पाप जीवित थे, हमारी आत्मा थी, बहुत बहुत स्पष्ट, बहुत बहुत जिसे कहते हैं कि कोई परमात्मा जैसी आत्मा, और वही आत्मा हमारी हमारी ताकत थी जिसे हमें रखा, जीवित रखा। आप दूसरे को खत्म करने के सपने पालते हो, क्यों? क्योंकि आप वो नहीं रहे हो जो आप थे। तो बेहतर है वो हो जाओ, आपका स्वागत है, आओ लौट आओ और कश्मीर को फिर से वैसा करो, सनातन शिव भूमि। आप कहते भी हो, मानते भी हो, दबी जबानों में बोलते हो हम तो शिव के उपासक हैं, फिर काहे का कॉन्फ्लिक्ट है? अगर कहीं से कोई कॉन्फ्लिक्ट लाया है तो उसको विदा करो, वो हिम्मत करो। जो आपका शत्रु है उसकी हत्या करो, जो आपका पूर्वज है, जो आपका मित्र है, उसकी हत्या मत करो। तो ये जो ये कुछ सूक्ष्म बातें थी, इन चीजों को जब मैंने दिल्ली में ये कार्यक्रम में बोला कि वहां पर बहुत सारे कश्मीर के लोग आए थे, तो मैंने दो टूक बोला, मैंने कहा आपको आप लोग हम थे, आप हम हो जाओ। तो जाहिर है वो लोग बहुत बोले तो कुछ भी नहीं, कोई नहीं बोला कुछ, लेकिन भाग गए, सभागार को छोड़ के भाग गए। सच सुन के ऐसे हो तो उसमें मुझे दुर्भाग्य से दुख होता है कि कुछ कश्मीरी पंडित, जिन्हें मैं क्या बोलूं, वो कश्मीरी पंडित हैं, वो तो वही जो विक्टिम कोलैबोरेटर कहते हैं हमारे नेता लोग, वही थे, भाग गए। उनका नामो निशान नहीं देखा मैंने। कुछ मुसलमान लड़के मेरे पास आए, बोले मैडम मैडम आपने हमारे लिए कुछ नहीं कहा। मतलब दे एक्सपेक्ट कि हम उनकी भी करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे। अरे बैलेंस करो, बैलेंस क्या करें,
जो जो शत्रु है या तो वो रास्ते पे आए, नहीं तो उसको तो राम भगवान राम ने बख्शा नहीं रावण को। ये तो राक्षसों के भी मानव अधिकार थे अगर आज के भाषा आज के हिसाब से बात करें, जैसा कि बड़े नैरेटिव्स फेंके भी जाते हैं। तो इन चीजों ये जो चीज है, ये जो क्लैरिटीज है, ये जो सफाइयां हैं, जो साफ विचार है, जहां जहां लोगों को कंफ्यूजन होता था, उन चीजों को साफ करने के लिए मैंने अपने धरतपुर को लिखा। मैंने फिर उसके बाद एक जो कल मेरा कहानी संग्रह विमोचन हुआ जिसका 19 जनवरी के बाद, और मेरा एक उपन्यास आ रहा है उसमें, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना ये पहाड़ है और इसमें कितनी परतें हैं, कितनी परतें हैं, एक एक बात लिखो, एक एक बात लिखो, हर बात लिखने की आवश्यकता है। मैंने दिल्ली में यही बोला था उस सभागार में कि मैंने कहा हमारी ऐसी 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 दास्तानें हैं जिनको दबाया गया, जिनको लिखने का साहस नहीं करते, मतलब एक एक व्यक्ति भी अगर एक एक की एक एक पुस्तक लिखे फिर भी पूरी नहीं पड़ेगी। और जब ये लिखा जाएगा तो शत्रु देखता है क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, मुझे शत्रु बोला जाता है तो वो सचेत हो जाता है, वो पीछे उसको लगता है कि नहीं मेरा विरोध होगा, मैं नहीं बचूंगा, मुझे नहीं मिलेगा वो सब जो मैंने गलत संकल्प किए हैं। आप अब भारत को इस्लामी बनाना चाहते हैं, कश्मीर से शुरू कर रहे हैं, ये चीजें किसी को सुनाई नहीं दे रही, किसी को दिखाई नहीं दे रही। अभी मैं राजनीति तो क्या ज्यादा समझती नहीं हूँ, लेकिन अभी जो टर्म्स है हाफ सेपरेटिस्ट सेपरेटिज्म, ये सेपरेटिज्म ये सब क्या होता है? अगर कोई सेपरेटिज्म की बात करता है तो वो तो आपको खंडित कर, वो तो टुकड़े टुकड़े क्या होता है? अगर आप टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं तो वो तो एकदम साफ होता है कि भाई इनको खत्म किया जाना, ये तो भारत के टुकड़े। सेपरेटिज्म तो वही है, उनको आप राजनीति में जगह देते हो। इस तरह का दोगलापन, इस तरह का विचित्र ये, और इस तरह की एक भूल आप करते हैं कि लोग कुछ समझते ही नहीं। राजनीतिक लोग ये करते हैं, मीडिया ऐसा करता है। तो इन चीजों को देख के, इन चीजों को देख के हमें तो अभी तो सोशल मीडिया आया है, तो लेकिन सोशल मीडिया पे भी अभी मैंने पीछे कुछ कहा था, जैसे गौतम नवलखा की बात, मेरा एक अनुभव साक्षात था उनके साथ और उसको लिखकर तो मुझे बड़ी थ्रेटनिंग्स मिली, लेकिन थ्रेटनिंग्स से डरना थोड़ी है, अब तो नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं, सच बोलना है। और वो सच जो मेरी परम प्रेरणा है, सच जो मेरी परम ताकत है, मेरी नहीं, मेरे पूरे समुदाय की, मेरे पूरे भारत की। लेकिन हमारे साथ हो रहा है ये कि फैशन ये है कि झूठ को सच मानो, सच को दरकिनार करो, वो नहीं बोलना है तो झूठ है। अब ये आप मानना शुरू करोगे तो क्या होगा? तो इस तरह से ये जिनोसाइड और दर्दपुर का संबंध रहा है। और दर्दपुर को जब मैंने पूरा किया, मुझे लगता 9 साल लग गए मुझे इसको लिखने में, 8 साल मैंने इस पर चिंतन किया, 9वें साल 1 साल मुझे लिखने में लगा इसको। और विचित्र भगवान की कृपा रही कि ज्ञानपीठ में एक ऐसे व्यक्ति को उस समय निदेशक के रूप में रखा था ईश्वर ने, कि जिन्होंने मुझे बोला कि तुम मुझे दे दो ऐसे विनय करके, और उनको उन्होंने युद्ध स्तर पर इस पर इसको छापा। 6 दिसंबर को, 10 दिसंबर को मैंने उनको मैनुस्क्रिप्ट दिया, 2 जून को मेरे हाथ में किताब, युद्ध स्तर पर इस किताब पे काम हुआ और ये पुस्तक आई। पुस्तक खूब सराही गई, मध्य प्रदेश के पाठक मंच में इसको जगह मिली,
खूब जगहों पे इसको ये किया गया, बहुत इसको इस पर चर्चाएं हुई, इस पर समीक्षाएं हुए, इसकी नए नए सच्चों और नई नई बातों को आत्मसात किया गया। लोग ऐसे प्रबुद्ध हैं हम में, और वही हमारी आशा है, वो भारत की आशा है। तो इवन बहुत सारे जो वाम लीनिंग के लोग भी थे, वो भी इससे कांप गए, बोले नहीं हम तो गलत सोचते हैं, सच ये है। और फिर मुझे लगा कि मेरी जो तपस्या है वो हो गई सफल, और उसके बाद इसके साथ राजनीति हुई, वामपंथियों का दल गया, ज्ञानपीठ पे वो किया, और ज्ञानपीठ ने अघोषित प्रतिबंध इसको 10 साल तक, और कृपा ये ईश्वर की रही कि दूसरे एक ज्योति पर्व प्रकाशन ने अपना वॉलंटियर किया कि नहीं हम छापेंगे, मैं छापूंगा। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने पेज के पेज उसके जबानी मुझे सुनाए, मैं तो हतप्रभ रह गई, अरे आप तो मुझे दर्द पर आप उधर से सुना रहे हैं, बोलते हाँ और क्या। मैंने कहा तुरंत आप कर लीजिए, उनके साथ हो गया। और फिर 2020 की मुझे लगता है दिसंबर में ज्ञानपीठ में जब निदेशक का बदलना हुआ, मधुसूदन आनंद की वहाँ निदेशक आए, उनका एक बार मुझे फोन आया, फिर उन्होंने बहुत खेद प्रकट किया, बहुत खेद प्रकट किया। और जिस दिन विश्व पुस्तक मेला में नई उस वाले पुस्तक का जो अब छपी थी उसका उन्होंने रिलीज किया, तब मुझे ज्ञानपीठ के वो जो वहाँ लोग थे, पदाधिकारी थे, वो मुझे साइड में कुछ कहना चाहते थे, कहना ये चाहते थे कि हमने कितना इस किताब को मिस किया, हमने कितना इस किताब को बेचा, इतने दमन के बावजूद, इतने प्रतिबंध के बावजूद सच को आप कभी नहीं दबा सकते। सच स्वयं में ऐसी बड़ी स्फूर्ति है, ऐसी एक प्रज्वल शिखा है, तो कहाँ दबाएंगे, हाथ जलेंगे आपके। और अब ज्ञानपीठ से पुनः एक पुस्तक आ गई, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो ये एक मेरा एक लक्ष्य है जीवन का। हम सब, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हमारे और जो ऐसे लगे नहीं हैं, वो हमारे साथ हैं। जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि भाई आप हमारी बात बोलते हो, तो मुझे लगता, मुझे नहीं पता, अंदाज नहीं है मेरा समय कितना दिया मैंने, बहुत समय गया क्या? हाँ जी, अगर बिल्कुल, कितना कितना बोली मैं? आप अगर समेटना चाहें तो समेट सकती हैं। मैं जरूर समेटूंगी। तो दर्दपुर के साथ जो कुछ बातें मैंने साझा करनी थी, मैं यहाँ थोड़ा सा कुछ और बोलूंगी, वो ये कि लेखन जो है, लेखन बहुत बड़ी चीज है। मैं तो कहती हूँ कि अभी जो हमारे पास तलहन ना होते, हम क्या होते। अभी मैं एक मिसाल देती हूँ। अभी बोस्निया में उनके वहाँ के कैरेक्टर थे, उन्होंने उनको उन पर एक आरोप लगाया कि उन्होंने 7,000 मुसलमानों को, जिन्होंने जिहाद वहाद किया वहाँ पर, बहुत सर्वनाश किया, तो उनको फिर ख़त्म किया कैरेटजिक ने, उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में फिर उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। तो कैरेटजिक जब वहाँ आए, वो उसको मैं BBC पर मैं ट्रैक करती थी रोज, तो उन्होंने बड़े बड़े स्वाभिमान से बोला, उन्होंने जज ने बोला कि आप कैसे ये तय कर सकते हैं कि ये मेरी 500 साल की संस्कृति को नष्ट करने जा रहे थे, 500 साल की। उसने कहा क्या सबूत है आपके पास कि 500 साल के? उसने कहा 2 पुस्तकें हैं मेरे पास, ये देखिए 2 पुस्तकें प्रस्तुत की। तो मैं तो हैरान हो गई, मैं कहा हमारे पास तो 5,000 साल भी तो वो तो हमारी गिनी हुई है, उससे अधिक हमारी संस्कृति है। और राजतरंगिणी जैसा विश्व ग्रंथ, इतने मैं तो कह रही हूँ कि अभिनवगुप्त, जैसे मैंने अभी बोला भी, नीलमत पुराण, हमारे पास इतने इतने ग्रंथ है, ये कितनी बड़ी बात है। मैं तो कहती हूँ सुबह सुबह हमें बोलना चाहिए ओम कलहनाय नमः, ये जरूर ये मंत्र पढ़ना चाहिए, नहीं होता तो क्या होते।
इसलिए शब्दों में हम सुरक्षित हैं, शब्दों में हमें हर बात लिखनी चाहिए जो सच्ची हो, जो प्रामाणिक हो। और शब्द की ये बहुत बड़ी ताकत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको, मैं थोड़ा सा और बोलना ये चाहती थी कि जो राहुल पंडिता है वो मेरा बड़ा प्रिय बेटा भी मान सकती हूँ, तो भाई भी मान सकती हूँ। उसने दर्दपुर को बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा, हर जगह उसका जिक्र किया, यहाँ तक कि बोला कि ये मेरी बड़ी प्रेरणा है, मैंने 10 बार पहले इसको पढ़ा, उसके बाद मैंने अपना उपन्यास लिखा। जब ये आया दर्दपुर तो वो दौड़ के गया ज्ञानपीठ, वहां से लाया, और मैं संयोग से दिल्ली में थी। तो मैंने उसने कहा आप कहाँ हैं, मैंने कहा मैं मंडी हाउस कुछ समय के लिए आ रही हूँ, आप वहीं रुकिए, मुझे आपसे साइन कराना है इस पुस्तक को। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद भी देती हूँ। इस तरह से दर्दपुर की ये बहुत बड़ी दर्द की कहानी है, और दर्दपुर पूरा ये कश्मीर ही नहीं पूरा भारत है, और सारे जो दर्द को है अंडू करना है, ये हमारा संकल्प है। बहुत बहुत प्रणाम महेश जी, आपने मुझे ये मंच दिया, मैं नहीं जानती मैं कैसे बोली क्या बोली, सब आप क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद क्षमा जी, जिस प्रकार क्षमा जी ने आपके सामने पक्ष रखा उसमें कोई भ्रांति रही नहीं कि वो हमारे लिए एक साहित्यकार नहीं, एक उपन्यासकार नहीं, हम उन्हें मात्र स्वरूपा मानते हैं और प्रेरणा है हमारी। इनकी बातें सुनकर मैं भी भावविभोर हो गया, और इसलिए क्योंकि ये हम सबका दर्द है। दर्दपुर, जैसे उन्होंने कहा कि केवल कश्मीरी पंडितों के पलायन का दर्द नहीं है, ये दर्दपुर भारतीय संस्कृति की व्यथा, जिसको हम कश्मीर या पूरे भारत में अगर कहें, जो स्पष्ट शब्दों में इसका सारांश निकालना हो, तो जैसे हम कहते आए हैं कि उन्होंने इसको चरितार्थ करके बताया, उसको बिल्कुल सजीव रूप से यहाँ पर बताया है कि इंडियन स्टेट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद इंडियन नेशन, उसको किस तरह से अंडरलाइन किया उन्होंने, और उन्होंने केवल थ्योरी से नहीं, दृष्टांत जोड़कर, संसमरण जोड़कर, और अपने उसमें जो अपनी एग्जाम्पल्स देकर उस उपन्यास को रचा। तो दर्दपुर जैसे ग्रंथ, जो लोग हमें कहते हैं कि हमारे साहित्य, हमारा एग्जाइल का साहित्य नहीं है, या हमारे पास जो ये विस्थापन का जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे जीव के पास है, हमारे पास इतना, मैं कहूंगा सजीव कोश है, जिसको पूरे भारत तक पहुंचना चाहिए। अब आप देख लीजिए पैलेस्टाइन में क्या हुआ, पैलेस्टाइन में एडवर्ड साइड को लिया जाता है उनके लेखन को, या उसके बाद आप देख लीजिए खलील जिब्रान को। और हम यहाँ पर सबसे ये निवेदन करेंगे कि दर्दपुर हिंदी में है और हिंदी भाषी क्षेत्रों में, क्योंकि यूजुअली कहा जाता है कि कश्मीरी पंडित अंग्रेजी में बात रखते हैं, काफी वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, काफी बारी शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमने ऐसा किया इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंचने के लिए, लेकिन भारत में एक सेंसिटाइजेशन हो, दर्दपुर घर घर पहुंचे, क्योंकि कश्मीर में जब ये त्रासदी हुई तो इसलिए हुई क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था ने, चाहे वो लेफ्ट राइट या सेंटर की थी, उन्होंने कंसेंसस बना लिया कि हमने जहाद को कोऑप्ट करना है, उसको कंसेशन देना है। और यहाँ पर दर्दपुर के माध्यम से हम कहेंगे कि ये जो ग्रंथ है ये नीति निर्धारण भी करेगा, एक सामाजिक ग्रंथ मानता हूं मैं इसको, ये राजनीतिक ग्रंथ नहीं, एक सामाजिक ग्रंथ है, एक व्यथा है, और एक माता के हाथों से लिखी हुई जो बात है वो अक्षर अक्षर सत्य है। इसमें उन्होंने जिस प्रकार से हमारे भूगोल का परिचय दिया, हमारी संस्कृति का परिचय दिया, कि ये भारत का विखंडन हो रहा है, कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम माना गया उसको, जबकि वो जहाद था, अगर उस समय इसका निर्धारण किया गया होता तो ये पूरे भारत वर्ष में नहीं फैलता, अगर जहाद को जहाद कहा गया होता तो दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, असम में जेनोसाइड नहीं होता। तभी हम कहते हैं व्हेन जेनोसाइड इज डिनाइड, जेनोसाइड इज डुप्लीकेटेड। और यही बात जब तक पूरा राष्ट्र नहीं समझेगा, भारत नहीं समझेगा, विघटनकारी शक्तियां हमें दबोच कर रखेंगी। और कश्मीरी पंडित जो है इसका बीज है, इसका एंकर है, भारत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, जम्मू कश्मीर भारत का नर्वस सिस्टम है, सारा मानसिक संतुलन कश्मीर से प्रवाहित होकर संस्कृत, कश्मीर से होकर संस्कृत भारत बनाता है। इन्हीं शब्दों को समझना पड़ेगा, अपने लेक्सिकॉन को बदलना पड़ेगा,
अपने चश्मे को उतारना पड़ेगा, इंडियन स्टेट को नेशन के साथ जो कन्फ्लिक्ट है उसको समझना होगा, राजतंत्र में परिवर्तन चाहिए, जो सबवर्शन मायावी लड़ाई है, पूतना को पूतना के नाम से पुकारना होगा तभी पूतना का तिलसिम टूटेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सादर प्रणाम करते हुए शमा जी, आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, आप सबका मार्गदर्शन करते रहें, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्रभु